गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। रायबरेली के मेरे प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी जो आपके नए सांसद हैं, और किशोरीलाल शर्मा जी जो अमेठी के नए सांसद हैं, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई। ये हुई ना बात, आपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी। पहली बार चुनाव संचालन में किशोरीलाल शर्मा जी नहीं थे, अपना चुनाव लड़ रहे थे अमेठी में, लेकिन इनका कमान निर्मल शुक्ला जी ने, विजय शंकर अग्निहोत्री जी ने, पंकज जी ने संभाला और हमें उनकी कमी महसूस नहीं की पड़ी, क्योंकि आप सब ने पूरी मेहनत से दिन रात काम किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों जिला के अध्यक्ष, अमेठी के जिला अध्यक्ष, रायबरेली के जिला अध्यक्ष पंकज जी, प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी पूरी जी जान लगाकर आपने काम किया। मंच पर विराजमान मैं बहुत पूर्व विधायकों को देख रही हूँ, अशोक सिंह जी हैं, पंजाबी सिंह जी हैं, आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, इस चुनाव में सब ने पूरी भागीदारी दिखाई और सब दौड़े, सब ने काम किया। यूपीसीसी से हमारे साथी यहाँ आए, अजय राय जी, अविनाश पांडे जी मंच पे बैठे हैं, मोना जी बैठी हैं, लेकिन 70-80 या शायद 100 ऐसे हमारे साथी जिन्होंने हमारे साथ 2022 में बहुत काम किया, वो भी यहाँ आए, आपके साथ न्याय पंचायतों में रहे, उन्होंने काम किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में लेकिन कम नहीं, मेरे समाजवादी पार्टी के सभी साथी जो मंच पर विराजमान हैं और सभी कार्यकर्तागण जिन्होंने एकजुटता दिखाकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव लड़ा। तो हमने यहाँ एक सेना बनाई और इस सेना के तहत आपकी मजबूती से दोनों रायबरेली और अमेठी हम जीते। ये एक ऐतिहासिक जीत रही। यहां से मुझे गर्व होता है इस बात को कहने में कि यहां से, अवध से, पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। मैं अपने AICC के सचिवों को भूल गई, सबसे ज्यादा काम मैं इन्हीं से कराती हूँ। AICC के सचिवों को और संदीप को भी धन्यवाद, क्योंकि आप सब ने भी दिन रात मेहनत की। देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, सिर्फ आपको एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी इस बार चुनाव लड़ने के लिए, मैंने कहा था कि लगभग 300 घंटे हैं, दो दो तीन तीन घंटे निकाल लीजिए सोने के लिए, बाकी सब काम करेंगे, और आपने ये करके दिखाया है। दिन रात हमने काम किया इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं। और जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद प्रियंका जी। मैं अपने जननायक नेता राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूँ, अपने रायबरेली के जनप्रिय सांसद राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूँ, आवे और अपनी बात करें। राहुल गांधी जी,
प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, केएल शर्मा जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, आराधना मिश्रा जी, प्रमोद तिवारी जी, पंकज तिवारी जी, प्रदीप सिंघल जी, दीपक सिंह जी, शत्रुघ्न सोनकार जी, वीरेंद्र यादव जी, श्याम सुंदर भारती जी, राहुल लोधी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के लीडर और हमारे प्यारे कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। इस बार जैसे प्रियंका ने कहा, कांग्रेस पार्टी रायबरेली में, अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर एक साथ लड़ा। मैंने सोचा कि ये क्यों हुआ, कि पहली बार मैंने देखा कि इंडिया गठबंधन, अलग अलग पार्टियां, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, डीएमके का हर कार्यकर्ता एक साथ खड़े होकर लड़ गए। पहले अलायंस होता था, एक साथ चुनाव लड़ते थे, मगर शिकायत आती थी कि भैया यहां उन्होंने मदद नहीं की, वो शिकायत करते थे यहां आपके लोगों ने मदद नहीं की, मगर इस बार सारे के सारे एक बन के, मैं आपको बताऊं, एक इंच पीछे नहीं हटे। हर प्रदेश में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर जगह, मणिपुर, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना एक हो गए। और मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। इसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की नींव है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। दूसरी बात, 2014 में हिंदुस्तान की राजनीति में एक बदलाव आया। पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुलकर हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे थे, और यह हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के धर्मों के खिलाफ है। और रास्ता मैं बताना चाहता हूं, और मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है।